आज मैं बताने वाला हूँ पांच नई बेस्ट एक्शन मूवीज के बारे में जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इन मूवीज में आपको बेस्ट एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। इस लिस्ट में मैंने बिल्कुल यूनिक मूवीज को ही ऐड किया है जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है ताकि आप इन मूवीज को देखते टाइम बिल्कुल भी बोर ना हो। सो हेलो गाइस, वेलकम टू NS मूवीज टॉक। ऐसे ही फ्रेश कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले नंबर पर मूवी है मंकी मैन जो 2024 में आई है। ये मूवी एक्शन थ्रिलर एक्टिविटीज पर बेस्ड है। इस मूवी की स्टोरी में एक बच्चा दिखाया जाता है जो हनुमान जी को काफी मानता है और उनकी स्टोरी से काफी इंस्पायर होता है। ये अपनी माँ के साथ रहता है लेकिन कुछ बुरे लोग इनसे इनका सब कुछ छीन लेते हैं। अब ये उन लोगों से बदला लेना चाहता है। अब आगे इसको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा वो सब आप इस मूवी में देखेंगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2। इस मूवी की लेंथ 2 घंटे 1 मिनट की है। इस मूवी को आप VOD पर एंजॉय कर सकते हो। दूसरे नंबर पर मूवी है टेम्पल जो 2024 में आई है। ये मूवी डार्क फैंटेसी एक्शन एडवेंचर एक्टिविटीज पर बेस्ड है। इस मूवी की स्टोरी एलओडी के कैरेक्टर पर फोकस करती है। इसके माँ बाप इसकी शादी एक रॉयल फैमिली के प्रिंस से कर देते हैं लेकिन इसकी जिंदगी और मौत की जर्नी उस टाइम शुरू हो जाती है जब इसके ससुराल वाले इसको एक ड्रैगन की केव में मरने के लिए फेंक देते हैं। अब क्या ये उस ड्रैगन से खुद को बचा पाएगी या नहीं वही सब आप इस मूवी में देखेंगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1। इस मूवी की लेंथ 1 घंटे 50 मिनट की है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। तीसरे नंबर पर मूवी है द मदर जो 2023 में आई है। ये मूवी एक्शन थ्रिलर एक्टिविटीज पर बेस्ड है। इस मूवी में आपको एक मदर की कहानी देखने को मिलेगी जिसे जेनिफर लोपेज ने प्ले किया है। एक हाईली ट्रेंड असैसिन है। ये बचपन से अपनी बेटी को खुद से दूर रखती है ताकि वो सेफ रहे लेकिन कुछ लोग इसकी बेटी को किडनैप कर लेते हैं। क्या ये उन लोगों से अपनी बेटी को बचा पाएगी या नहीं वही सब आप इस मूवी में देखेंगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6। इस मूवी की लेंथ 1 घंटे 55 मिनट की है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। फोर्थ नंबर पर मूवी है द बी कीपर जो 2024 में आई है। ये मूवी एक्शन क्राइम कॉमेडी थ्रिलर एक्टिविटीज पर बेस्ड है। इस मूवी की स्टोरी फोकस करती है एडम के कैरेक्टर पर जो बी कीपर है। इसकी एक नॉर्मल सी लाइफ चल रही होती है लेकिन इसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब इसके जानने वाली एक औरत के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है। वो औरत सुसाइड कर लेती है फिर एडम उन लोगों से बदला लेने के लिए निकल जाता है। आगे इसकी लाइफ में कौन कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे वही सब आप इस मूवी में देखेंगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4। इस मूवी की लेंथ 1 घंटे 45 मिनट की है। फिफ्थ नंबर पर मूवी है डेविल्स जो 2023 में आई है। ये मूवी एक्शन क्राइम थ्रिलर एक्टिविटीज पर बेस्ड है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक सीरियल किलर की जो एक के बाद एक लोगों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार रहा है। इसलिए इसको पकड़ने के लिए एक डिटेक्टिव आता है लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब ये डिटेक्टिव को पकड़ने के लिए जाता है तब कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से सीरियल किलर डिटेक्टिव बन जाता है और डिटेक्टिव सीरियल किलर बन जाता है। आखिर इन सब चीजों की क्या मिस्ट्री है और आगे मूवी में क्या होगा वही सब आप इस मूवी में देखेंगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8। इस मूवी की लेंथ 1 घंटे 45 मिनट की है। इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।